بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميل لي من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه मिन की तफसीर का जारी था और एक रुकू हमने के दूसरे रुकू की तफस और तशरी शुरू करेंगे इससे पहले वाले दरस में आप तक ये बात पहुँचाई गई थी कि सुरकाफ़ ये कुरान मजीद की अहम सूरत है जिसका उन्वान बास बादल मौत मरने के बाद आदमी का दोबारा जिंदा किया जाना है पहली पहले रुकू इससे पहले कि हम आगे बढ़े पहले रुकू के बारे में कुछ तफसलात एक इजमाल के साथ आपके सामने में बयान करें हम काफ़ के पहले रुकू में अल्ला रबालमीन ने बास बादल मौत के दलाइल दिए हैं अकली दलाइल दिए हैं शरी दलायल दिए है अल्लाह ने बताया कि क्यामत आने वाली है क्यामत आएगी अल्ला रबालमीन के लिए क्यामत का ले आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अल्लाह रब्लामी ने इसी कायनात को पैदा करने वाला अल्ला है ज़मीन का बनाने वाला अल्लाह है आसमान का बनाने वाला अल्लाह है आसमान से पानी अल्लाह बरसाता है जमीन से नबाता अल्लाह उगाता है तो उसके लिए उसके लिए इन चीजों का बनाना भी आसान है इन चीजों का तबाह कर देना भी आसान है जिस अल्लाह ने पहली मरतबा इंसान को बनाया उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो दूसरी मरतबा इंसान को बनाए अब इस अब इस दूसरे रुको के अंदर अल्लाह रबूल आलमिन इसकी तफसील बयान कर रहे की वो क्या आएगी वहां पर हालात क्या होंगे जो इस दुनिया में नेक अमल करने वाले हैं उनके हालात क्या होंगे जो इस दुनिया में क़यामत का इनकार करने वाले हैं और इस इनकार की वजह से बुरे अमाल की तरफ रागिब हो जाने वाले हैं उनके हालात क्या होंगे यहाँ पर हमने सिर्फ एक बात है कि हाँ क़्यामत आएगी पर क्यामत कैसी आएगी इसकी तफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र फ़रमाई है क़्यामत आएगी इसके दलाल ने बताए हैं जिससे बंदे पर यह बात उसके लिए मजबूत हो जाए ईमान उसका मज़बूत हो जाए कि क्यामत आएगी उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तफसलात भी बयान की क्यामत कैसे आएगी उस वक्त के हालात क्या होंगे उस वक्त क्यामत जब आएगी तो इनकार करने वालों के साथ क्या मामला किया जाएगा उसके काफिरीन के साथ उसमें क्या मामला होगा किस तरह का अजाब दिया जाएगा और अल्लाह रब्लम पर ईमान लाने वाले मोमिन का क्या मामला होगा ये ये इस ये तफी अल्लाह रब्लम ने बयान फरमाई है और जब किसी चीज की तफसल बयान कर दी जाती है तो उस पर ईमान और मजबूत हो जाता है बंदे का एक चीज के बारे में आदमी वो क्यामत आएगी इसलिए ये दो दर्जे हैं ईमान के असल में एक ईमान का दर्जा है कि आदमी से किमत आएगी और एक दर्जा खशियत का दर्जा है डर दर का दर्जा है यानी एक आम आदमी वो सिर्फ ये मानता है क्यामत आएगी और एक आदमी उसके दिल में डर है वो जानता है क्यामत आएगी और उसके मुताबिक वो अमल करता है दोनों में बड़ा फर्क होगा तो एक है ईमान वाला दर्जा और एक है खर्शियत वाला दर्जा यकीन की वाला दर्जा तो अल्लाह आलमीन ने तफसीलात बयान फरमाई है और जब किसी चीज़ की तफसील बयान हो जाती है तो उस पर आदमी का ईमान और मजबूत हो जाता है जैसे आपको खबर दी जाए कहीं पर कि वाला जगह पर एक हजार लोग कत्ल हुए तो एक हजार लोग कत्ल हुए आप सुनेंगे और थोड़ा बहुत आपके दिल में खशियत होगी थोड़ा बहुत आपके दिल में डर होगा लेकिन अगर कोई उन एक हजार कत्ल होने वाले आदमियों के कत्ल की तफसल बयान करे तो आपकी हालत और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा आपके दिल में खौफ आपके दिल में तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी एक हजार आदमी कैसे कैसे उनको कत्ल किया गया बच्चों को कतल किया गया औरतों को कतल किया गया किसी की गर्दन काट दी गई किसी का हाथ काट दिया गया तो किसी वाकई की जब तफसील बयान की जाती है तो बंदे का उस पर ईमान उसका यकीन और ज्यादा मजबूत हो जाता है तो अल्लाह रबुल आलमी ने सिर्फ ये नहीं किया कि क्यामत आएगी इसके दलाल बयान कर दी सिर्फ ये नहीं पता कि हाँ क्यामत आएगी तुम लोग ईमान लेगी क्यामत आएगी बल्कि अल्लाह ने उससे उससे ज्यादा आगे बढ़ करके अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया है कि क्यामत आएगी तो कैसे आएगी उस वक्त हालात क्या होंगे इससे बंदे का ईमान मजबूत होता है उसका ईमान ज्यादा होता है जब उसको तफसील, उसको क्यामत के बारे में बयान की जाती है तो अल्लाह ने एक एक पहले रुकमल अल्लाह ने बताया क्यामत आएगी क्या आने की दलीलें होंबमिन ने शरी दलीलें भी नकल फरमाई देखिए क्यामत के ईमान के ताल्लुक से एक बात हम ये याद रख लेंगे क्यामत क्यामत आएगी इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिसने इस कायनात को बनाया है इस कायनात का बनाने वाला कहते हैं कि क्या मत आएगी मैं इसको तबाह कर दूंगा जिसने इंसान को पैदा किया है वो कहता है कि मैं सारे इंसानों को खत्म करने के बाद उसको दोबारा जिंदा करूंगा ये सबसे बड़ी दलील है क्यामत के आने की दे क्यामत आना चाहिए क्यामत आ सकती है ये तो बातें हैं ये हम हम जो हालात देखते हैं हमारे पास जो दलाल हैं इस जमीन के अंदर उनसे ये बात पता चलती है हाँ क्यामत को आना चाहिए क्यामत हर इंसान को उसके अमल का बदला मिलना चाहिए ज़ुल्म का बदला मिलना चाहिए मजलूम की फरियाद सुनी जानी चाहिए तो हम ये कह सकते हैं दलाइल यहाँ की जो दलाइल है अकल की बुनियाद पर कि यहाँ क्यामत को आना चाहिए या क्यामत आ सकती है कायनात को जिसने बनाया वो कायनात को दबाह भी कर सकता है लेकिन क्यामत आएगी ही ये यकीन हम कैसे कैसे कहते हैं कि क्यामत आएगी ये हम इसलिए यकीन के साथ कहते हैं कि जिसने इस क्यामत को बनाया है उसने अपनी किताब के अंदर कह दिया कि कयामत आएगी इन सात सात आती जो क़यामत है वो आनी है आकर के रहेगी उसको कोई रोक नहीं सकता है तो एक तरफ तो ये कि क्यामत आएगी अब इस क्यामत की तफी रबीन ने इंसान को पैदा किया है और हम जानते हैं जो उसके दिल में वसवा से उठते हैं या एक, एक सवाल क्यामत के बारे में एक सवाल आदमी का ये भी उठता है कि आदमी कितने सारे अमल करता है जिंदगी भर में हजारों करोड़ों लोग पैदा होते हैं उनके बहुत सारे अमाल होते हैं हर अमाल की तफसी कैसे किसी को बताई कैसे की जा सकती है पेश कैसे की जा सकती है हर आदमी को उसके अमाल की जजा और सजा कैसे दी जा सकती है अल्लाह ने फरमाया वल हमने इंसान को पैदा किया है वह ना आम हम जानते हैं जो उसके दिल में वसवसा उठता है जो तुवस्ा किसको कहते हैं आदमी अपने दिल में जो बातें करता है अपने आप से जो बातें करता है जो सोचता है जो ख्यालत उसके दिल के अंदर पैदा होते हैं अल्लाह रब्बुल रबालमिन सब का सब जानने वाला है यानी अमाल तो बहुत दूर की बात है अल्लाह तो वसवसों से भी वाकिफ़ है दिल में जो बातें आती हैं आदमी के जो ख्याल आते हैं आदमी के अल्लाह उनसे भी वाकिफ़ है वकत खलक नल इंसान हमने इंसान को पैदा किया इंसान क्या वो हमारी मखलूक है अल्लाहूमन खलक वो व लतीफ़ालखबीर क्या मखलूक के बारे में खाली को इल्म नहीं होगा जिसने इस कायनात को पैदा किया है वो इस कायनात से गाफिल है नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सारी मखलूक से वाकिफ़ है और आमाल तो बहुत दूर की बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दिल के वसवसों का भी जानने वाला है दिल में पैदा होने वाले ख्याल का भी जानने वाला है आदमी अपने आप से जो बात करता है अल्लाह आलमीन को उसका भी इल्म है ना नफ्सु। हम जानते हैं जो कुछ उसके दिल में वसवसा पैदा होता है व नाहद और हम उसकी शहर से भी ज्यादा उससे करीब है कुर्बत इल्म के माने में क्योंकि यहाँ तस्कर इल्म का चल रहा है तो कुर्बत जात की और ये मुफसरीन का ऊपर अर्ज पर है और हमेशा उसकी कुदरत से गरीब है वो जैसा हमारे साथ जो तसरुफ करना चाहता है कर सकता है उसका इम हमसे हमारी एक एक अमल से हमारे एक एक वसवसे वो वाकिफ है तो यहाँ जो अल्लाह ने कहा कि नाहनू अकरबिन हबली हम उसकी शहरक से भी ज्यादा उससे करीब है तो यहाँत

आइस से बात करो नहीं बात करो अल्लाह रबालमीन सब जानता है तुम बोलोगे तो अल्लाह जानता है तुम नहीं बोलोगे सोचोगे तो भी अल्लाह जानता है आवाज निकलेगी बात करोगे तो भी अल्लाह जानता है तेज आवाज में बात करोगे तो भी अल्लाह जानता है खामोशी से बात करोगे सरगोशी करोगे तो भी अल्लाह जानता है मा माँ मिन नजबा वला सला कोई कोई सरगोशी नहीं होती जब आदमी दो आदमी मिलकर बात करते हैं तीन बात करते हैं चौथा अल्लाह सुनने वाला होता है

रिकॉर्ड करते हैं अनिल अनि शिमाल एक दाए बैठा, बैठा हुआ है बैठ करके वो सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं अल्लाह ने दो फरिश्ते मुतन कर दिए हैं क्रामन का या लमून अमातफ अलून ये क्रामन का है जो तुम जो कुछ भी करते हो इनसे छुप नहीं सकता इन्होंने तुम्हारे एक ही कमल को रिकॉर्ड में ले लिया है तुम्हारा पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है तुम्हारा पूरा नाम है आमाल तुम्हारा पूरा हिसाब किताब तुम्हारा पूरा कच्चा चिटा लिखा जा रहा है कोई आमाल क्या तुम अपनी से से जब कोई लफ्ज भी निकालते हो इल्ला तुम्हारी जबान से कोई कौल नहीं निकलता कोई जुमला नहीं निकलता कोई लफ्ज नहीं निकलता मगर एक हाजिर बाश निगेबान फरिश्ता वो सारे आमाल को तुम्हारी जबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को लिख लेता है कुछ भी अल्लाह से नहीं छुपा सकते तुम तो ना सिर्फ ये कि अल्लाह अल्लाह के इल्म में तो है ही है लेकिन तुम पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज्जत कायम करेगा वो अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं करेगा वो तो उसका अदल का तकाजा यह है कि उसने एक तीसरी पार्टी तुम्हारी शहादत के लिए गवाही के लिए बना करके रखी है एक तीसरा इंतजाम करके रखा है और तुम्हारे तुम्हारे लिए फरिश्ते तुम्हारा हर छोटा बड़ा अमल वो लिखते जा रहे हैं और क्यामत के दिन वो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे लिए पेश कर दिया जाएगा कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से छुपा अल्लाह से भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कोई अमल तुम तो ऐसा नहीं कर सकते हो और कोई जबान से ऐसी बात नहीं निकाल सकते हो जो यहाँ फरिश्तों की रिकॉर्ड में ना आ रही हो रकुल्ला आलमीन उस किताब को निकालेगा वो तुम्हारे हाथ में थमा देगा तुमसे कहा जाएगा इक किताबक पोड़ो अपनी किताब कोई अमल तुम्हारा अल्लाह रबीन रब की निगाह से भी छुपा हुआ नहीं है कोई अमल ऐसा नहीं है जो इस किताब में लिखा नहीं होगा इंसान खुद ताजुब करेगा किताब लागुल सगी रतम वाला कबीरतन कैसी किताब है कोई छोटा अमल कोई बड़ा अमल ऐसा नहीं जिसमें लिखा हुआ तो तुमको अल्लाह से इसलिए भी डरना चाहिए कि अल्लाह रब्लम ने तुम्हारे अमाल का एक अल्लाह के इल्म में भी तुम्हारे, है और रब ने तुम्हारे आमाल को करने के करके रखा है फरिश्ते बैठे हुए और वो तुम्हारा एक एक ला सारा किताब तुम्हारे हाथ में थमा दिया जाएगा कयामत के दिन वजात सक्रक मिनहु तहीद और आ गई मौत की सख्ती हक को लेकर के कल तक तुम जिस चीज का इनकार कर रहे थे जिस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे थे जिससे तुम गफलत में पड़े हुए थे या जिससे तुम भागना चाह रहे थे अब वो मौत हक को लेकर के तुम्हारे पास आ गई मौत आई और हक के वो पर्दे उठना शुरू हो गए जो अब तक गैब में थे जाकर मौत मौत आई सक्रत मौत की सख्तियां मौत अपनी सख्तियों को लेकर के आई है मौत अपनी शिद्दतों को लेकर के आई है मौत अपनी तकलीफ को लेकर के आई है और ये शिद्दतें कितनी जबरदस्त हैं ये तकलीफें कितनी जबरदस्त है अल्लाह के नबीम उन पर सकरात का आलम तारी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना पोछ रहे चेहरे से और फरमा रहे इन अलिल मौती सकरात इन अलिल मौती सकरात मौत के लिए सकरात है मौत में परेशानियां हैं मौत में तकलीफ है ये मौत शिद्दत के साथ आई है और अब अब कल तक तुम इनकार कर रहे थे अब जिन चीजों का इनकार कर रहे थे अब वो तुम्हारे सामने जाहिर हो गई है कल तक जिन चीजों को जो चीजें तुम्हारे लिए गैब में थी अब वो तुम्हारे लिए शहादत बन रही है अब अल्लाह रब्बुल के दिखाई दे रहे हैं अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब है अब तुमको हक दिखाई दे रहे हैं, अब उस पर तुम ईमान लाओगे तुम्हारा ईमान लाना अल्लाह की बारगाह में कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा तुम्हारा ईमान उस वक्त तक के फायदा तुमको पहुंचाता है जब तक ये चीजें गैब में तब तक ईमान लेकर के आओ इससे पहले की गैब तुम्हारे लिए शहादत बन जाए फिर ये शहादत बन जाएगा उसके बाद ईमान लाओगे उसके बाद तस्लीम करोगे उसके बाद कलमा पढ़ लोगे तो तुम्हारा कलमा पढ़ना तुम्हारा ईमान ले आना तुम्हारा तस्लीम करना तुमको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा वलई सतीबीम सयाद उन लोगों की अल्लाह कबूल नहीं करता कि पूरी जिंदगी गुना करते रहते हैं यहाँ तक कि जब मौत का वक्त करीब आता है जब मौत जब अल्लाह रब्बुल आलमीन गरगरे का आलम तारी कर देता है जब मौत यकीन आ जाती है तो कहते हैं अब मैं तौबा करता हूँ सारे गुनाहों से नहीं इससे पहले कि ये गैब शहादत बन जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा कर लो वरना मौत आएगी तो हक के पर्दे खुल जाएंगे फिर तुमको फरिश्ते भी दिखाई देंगे फिर तुमको वो अजाब भी दिखाई देगा जिसका तुम इनकार करते थे लेकिन उस वक्त तुम्हारा तस्लीम कर लेना उस वक्त तो उस वक्त तो फिरौन ने भी कलमा पढ़ लिया फिरौन ने भी कहा कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पर बन इसराइल के रब पर नहीं उस वक्त कोई ईमान लाना फायदा नहीं पहुंचाएगा तो मौत ये मौत असल में बहुत बड़ी हकीकत है मौत इंसान के लिए इंसान की सबसे बड़ी हकीकत मौत इस आदमी को इस बात को याद दिलाती है कि इंसान इंसान अपने अख्तियार से जिंदा नहीं है उसका अपने ऊपर कोई बस नहीं है कोई एक अजीम ताकत है कोई एक हजीम हस्ती है कोई एक अजीम कुवत है जो उसके मामला देख रही है जो उसको जिंदा करती है जो उसको मारती है <फ़ा भिखाद नहीं> <फ़ा> करते हो, और तुमने अपनी अपना हिस्सा यही बना रखा कि तुम इनकारी करोगे फल बलकुम तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब इंसान की जान उसके हलकूम में पहुंच जाती है उसकी उसके गले के अंदर पहुंच जाती है गरगरे का आलम होता है सकरात का आलम होता है तुम्हारे अजीज़ तुम्हारे भाई तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बाप तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ वो तुम्हारे सामने दम तोड़ रही होती है तुमको अगर लगता है कि कोई खुदा नहीं है कोई रब नहीं है कोई मालिक नहीं है बस कायनात अपने आप चल रही है तुम आज़ाद पैदा किए गए हो किसी की मर्जी के पाबंद नहीं हो किसी के तसरुफात के पाबंद नहीं हो तुम्हारा भाई है मर रहा है तुम्हारे सामने फलोला इनकुन तुम गैर मदीन तर्जी होना है इनको तुम सादी अगर तुम किसी के किसी के पाबंद नहीं हो तो इस इसको जिंदा करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो तो ये तुम्हारा भाई ये तुम्हारी बहन ये तुम्हारे वालदेन तुम्हारे सामने दम तोड़ देते तुम इस कायनात के रब हो तुम इस कायनात के खालिक हो तुमने इस कायनात को तुम चला रहे हो तो इनको जिंदा करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में तो फलोला इनको तुम गईरा मदीन तर्जुड़ो न तुम शादी वापस ला करके दिखाओ इस जान को तो ये मौत बहुत बड़ी है इसलिए के नबीम का फरमान है कि आदमी मौत को कसरत से याद करे अक्सर जिक्र हाजिम मौत को कसरत से याद करो जो लज्जतों को तोड़ देने वाली है आदमी आदमी अगर खुशहाली की हालत में होता है ने फरमाया तो ये मौत उसको तंगी पैदा कर दी खुश होता है तो उसको मालूम हो जाता है मौत आएगी ये, ये खुशी ये खुशी मौत के साथ खत्म हो जाने वाली है। तंगी में होता है तो उसको कुशादगी देती है कुशादा कर देती है उसके जहन को उसको बता देती है कि अब ये ये मौत जो है तुम्हारी तुम्, तुम्हारी तंगी को खत्म कर देने वाली तुम्हारी जिंदगी को शादा कर देने वाली मौत को कसरत से याद करो मौत यहां से आदमी को पता चल जाता है कि मैं जिस दूसरी जिंदगी में दाखिल हो रहा हूं वहां मेरा अंजाम क्या होने वाला है मौत का जैसी लहजा शुरू हुआ मौत का आदमी को पता चल गया कि अब ये मेरी जो आर्जी जिंदगी थी जो बहुत छोटी सी जिंदगी थी उस जिंदगी के मुकाबले में जो जिंदगी शुरू होने वाली है ये बहुत छोटी सी बहुत मुख्तर सी जिंदगी थी ये मुख्तसर सी जिंदगी अब खत्म हो रही है अब मैं जिस जिंदगी में दाखिल हो रहा हूँ वहां मेरा अंजाम क्या है या मौत से मौत से वो अंजाम इंसान का शुरू हो जाता है मौत को याद करो हर आदमी को मरना है हमको मरना है आपको मरना है हर किसी को मरना है हर किसी को लिटाया जाना है हर किसी को नहलाया जाना है हर किसी को कफन पहनाया जाना है हर किसी को कब्र के अंदर जाना है इससे पहले ही वो मौका आए अपने अमाल की तैयारी करो अपना ईमान मजबूत करो अपना अमाल मजबूत करो खुद को अल्लाह रबुल आलमीन की बारगाह में हाजिर करने करो हमारी हालत उन लोगों की तरह नहीं होनी चाहिए जिनके लिए मौत हसरत लेकर के आती है मौत निदामत लेकर के आती है मौत अफसोस लेकर के आती है आदमी परेशान सोचता है कि काश और जिंदगी मिलतीीन में सद का करता मैं सालिहीन में से हो जाता ये थोड़ा सा मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मतलब जो जिंदगी शुरू हो जाने वाली है उसके मुकाबले में बहुत कम है जो जिंदगी हमारी शुरू होने वाली है जो आखिरत का हमारा की जिंदगी है जो बरजख है उनके उसके मुकाबले में ये जिंदगी कुछ भी नहीं है आदमी को लगेगा कि मैंने बस बहुत कम ज़िंदगी गुजारी है जब ये जब ये वो ज़िंदगी शुरू होगी तो आदमी को दुआ कि अल्लाह हमारी मौत हमारे लिए खुशखबरी का बाइश हमारी मौत हमको अल्लाह रबुल की मुलाकात की खुशखबरी हमारे लिए ले लेकर है हमारी मौत हमारे लिए हमारे लिए मुसरत का बायस बने ना ये कि हमारी मौत हमारे लिए अफसोस का बायस बने निदामत का बास बने अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए तो यहां तक के यहाँ तक यहां तक जिक्रता इंसान की जिंदगी की पहली क्यामत पहली क्यामत मतलब आदमी की मौत आ गई उसकी क्यामत आगे जिसको जिसको मौत आ गई उसकी क्यामत शुरू जो उसको मौका मिला था अमाल करने का वो अब खत्म हो गया है अब यहाँ से यहां से हिसाब की जिंदगी शुरू हो रही है यहाँ से जजा की जिंदगी शुरू हो रही है यहाँ से सजा की जिंदगी शुरू हो रही है ये जो मौका मिला था अमाल का वो तो अब खत्म हो गया तो ये मौत इंसान के लिए पहली चीज ये जिससे आदमी भागता था जिससे आदमी चाहता था आदमी को वो चाहता था कि उसको हजार साल की जिंदगी मिल जाए लग, लो यू अमर अलफसाना तो अब वो वो ये मौत आ चुकी है अब अब आमाल का सिलसिला खत्म हो गया अब हिसाब का सिलसिला शुरू है अब जजा और सजा का सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पहली मौत का यहां मौत का तस्करा किया अब उसके बाद जो दूसरी जिंदगी शुरू होने वाली है उसका तस्करा अल्लाह रब्लम आगे कर रहा है जिसको इंशाल्लाह हम अपने अगले दर्स में देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसान इंसान के अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इंसान के आमाल का हिसाब किताब करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में भी है उसने जो कुछ इंसान ने किया है और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंतजाम कर दिया है दो फरिश्तों को कंधों पर बिठा दिया इंसान जो कुछ भी बोल रहा है जो कुछ भी कर रहा है वो सारा का सारा अल्लाह आलमीन लिख रहा है तो देखिए अच्छा यहाँ पर एक बात और आप देखिए अल्लाह आलमीन ने कहा हमारे इल्म में है जो कुछ उसके दिल में वसवसा आता है लेकिन फरिश्ते जो लिख रहे हैं वो वसवसे को नहीं लिख रहे फरिश्ते जब ये वसवसा अमल की सूरत इख्तियार कर लेता है ये ख्याल अमल को पहुंच जाता है तो फरिश्ते लिखते हैं इसलिए जो वसवसे दिल के अंदर आते हैं उन पर हिसाब किताब नहीं होगा अल्लाह आलमीन अल्लाह अला आलमीन ने अल्लाह के नबी सब फरमाया सही रिवायत के नबी ने फरमाया कि अल्लाह आलमीन ने मेरी उम्मत से उनके वसाविस को और जिन चीजों पर उनको मजबूर किया जाता है उससे अल्लाह रबालमिन ने उनको माफ़ फरमा दिया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा तो अल्लाह के इल्म में तो वसवसे भी है लेकिन अल्लाह वसवसों पे पकड़ नहीं करेगा अल्लाह ख्याल पे पकड़ नहीं करेगा अल्लाह इरादों पे पकड़ नहीं करेगा पर यह इरादा जब अमल की सूरत अख्तियार कर लेता है तब वो जो आदमी अमल करता है उस अमल पर लाला रबालमीन की पकड़ करेगा तो अल्लाह ने फरमाया हमारे इल्म में भी है लेकिन हम अपने इल्म की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं देंगे जो सजा होगी वो तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर तुम्हारे वो आमाल की बुनियाद पर जो फरिश्तों ने लिख के रखा होगा उस अमाल उन अमाल की बुनियाद पर और फिर दूसरे भी इंतजाम होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मतों में से भी गवाह पेश करेगा नबी को भी गवाह बना करके पेश करेगा और ऐसा भी होगा कि आदमी इनका भी इनकार कर देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ठीक है अब तुम्हारी अला व व तशहदु अरजुलहुम जबान पे मोहर लगा दी जाएगी आदमी नाम अमल नहीं मानता है नहीं मानेगा उसका हाथ उसका पैर उसकी चमड़िया उसका जिसम खुद उसके अमाल की गवाही देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारा इंतजाम क्यों किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे और बेशक वो आदिल है वो बेशक रहम करने वाला है बेशक वो सच्चा है उससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं है तो वो वो अगर चाहे तो वो अपने इल्म की बुनियाद पर भी सजा दे सकता है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अलग से इंसान पर हजरत कायम करने के लिए इंतजाम कर दिया है फरिश्ते तय कर दिए हैं इंसान और इंसानों में से कुछ गवाह हैं और फरिश्ते भी और जो है खुद इंसान का जिसम भी अल्लाह आलमीन की बारगाह में गवाही देगा तो अल्लाह के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है फिर अल्लाह आलमीन ने फरमाया कि जब आदमी को आदमी जिंदगी भर जिस हक का इनकार करता है मौत जैसे ही आती है उस हक को लेकर क्या जाती है वो चीजें जिन पर ईमान लाने का मुतालबा था गैब में रहते हुए वो उसके लिए शादत बन जाते हैं और गैब जब शादत बन जाएगी तो उस वक्त तुम उसको तस्लीम करो तस्लीम करिए अगर तुम्हारे पास चारा भी नहीं होगा और फिर तस्लीम भी कर लोगे तो वो तस्लीम करना वो ईमान लाना वो कबूल कर लेना तुमको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा अब क्यामत की एक नक्शा नक्श अल्ला आलमीन ने क्यामत का खींचा है क्या हालात होंगे ईमान लाने वालों के इनकार करने वालों के और ये तफसील जब बंदे के सामने बयान की जाती है उसका ईमान और मजबूत हो जाता है और बढ़ जाता है उसका ईमान जब भी कोई सूरत नाजिल होती है मोमिन का ईमान और बढ़ जाता है कैसे बढ़ता है वो तफसीत को देख लेते हैं खशियत खौफ तकवा दिल के अंदर आलमीन का पैदा हो जाता है वो में अपने अगले दर्स में देखेंगे आलमीन से दुआ है कि अला आलमीन क्यामत पर हमारा ईमान मजबूत फरमाए बास बादल मौत पर हमारा ईमान मजबूत फरमाए हम सब को हम हम सब को अपनी उस जिंदगी की तैयारी की तोहफी अदा फरमाएगी जिस जिंदगी की तैयारी के लिए हमको ये जिंदगी अता की गई है अकुलफर आखर अनिल وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب